एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश की यात्रा पे गए थे। वहाँ उनको लेने कुछ विदेशी लोग आए थे जो उनसे इंग्लिश में बातें कर रहे थे, इंग्लिश में भाषा में उनका वेलकम कर रहे थे। लेकिन विवेकानंद उनकी हर बात का जवाब हिंदी में दे रहे थे। तो पहले तो विदेशियों को लगा कि शायद स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती, तो वो भी हिंदी में बोलने लगे। लेकिन जब वो हिंदी में बोले तो स्वामी जी ने उनका जवाब इंग्लिश में देना शुरू कर दिया। सब बड़े हैरान हो गए कि जब विवेकानंद जी को इंग्लिश आती है तो वो हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मातृभाषा का माँ की तरह सम्मान करता हूँ, इसलिए हर जगह उसे ही इस्तेमाल करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जान ही गए होंगे इस छोटे से वाक्य से कि मैं हिंदी की किताबें पढ़ती हूँ, हिंदी साहित्य पढ़ती हूँ और हिंदी मेरे लिए सब कुछ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी साहित्य की 10 सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के बारे में बताऊंगी जिन्हें एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। पहली किताब जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वो है श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी। ये पहली बार 1968 में प्रकाशित हुई थी और तब से आज तक ये बिल्कुल प्रासंगिक लगती है। आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच की खींचातान इस किताब में आपको दिखाई देगी। कहानी है छोटे से गांव शिवपालगंज की, जिसके केंद्र में हैं वैद जी, रंगनाथ और रामधीन। गांव की विकास में अनैतिकता कैसे जड़ कर गई है, ये किताब उस चीज़ को दिखाती है। इसमें हास्य का पुट भी है, लेकिन सिर्फ हास्य कहना इस किताब के साथ नाइंसाफी होगी। हर पात्र अंत में यही चाहता है कि हर चीज़ उसके हिसाब से। आपको लगेगा कि ये अभी के ही बारे में बात हो रही है, अभी जैसे हम रह रहे हैं, हमारी जैसी मानसिकता है, ये सब उसी के परिप्रेक्ष्य में बात करती है। दूसरी जो किताब है उसे हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक मतलब, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो किताब है जिसमें किसी क्षेत्रीय भाषा का, वहाँ की परंपराओं का, वहाँ के रीति रिवाजों का ज़्यादा पुट मिलता है। और ये किताब है फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल। इस किताब में आपको भारत के गाँव का चित्रण मिलेगा और इसके केंद्र में है डॉक्टर प्रशांत, जो शहर से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव आते हैं। उन्हें पता चलता है कि गांव में जानलेवा बीमारियां फैली हैं, डेंगू मलेरिया, तो वो उसके इलाज के लिए वहां पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनको गांव के रीति रिवाज, वहां की कुरीतियों, वहां के जातिवाद, वहां के भेदभाव से उनका सामना होता है। वो इन सब चीज़ों से कैसे निकलते हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें उनके साथ घटित होती हैं, इस पूरी किताब में उसका कुछ पुट मिलेगा। लेकिन सिर्फ ये सिर्फ उसी की कहानी नहीं है, ये आपको भारत देश के दूर दराज इलाके, गांव में आज भी कैसे लोग रहते हैं, कैसे जीते हैं, वहाँ क्या चीज़ें होती, इसके बारे में भी बताएगी। मैला आंचल की कहानी आज़ादी के पहले शुरू होती है लेकिन आज़ादी के बाद तक चलती है। माने अंग्रेज जब भारत में थे उस समय क्या चल रहा था देश में, और अंग्रेजों के जाने के बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी आती है देश में तो उसका क्या प्रभाव गांव पर पड़ता है, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह इसमें दिखाई देगा। दूसरी बात ये कि रेणु जी ने इसमें जो चीज़ें लिखी हैं, जो कहन है इसका, ये प्रश्नात्मक तौर पर है। मतलब उसमें सीधे सीधे बात नहीं कही रेणु जी ने, कुछ प्रश्न छोड़ दिए हैं, ओपन एंडेड जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, उसको आपको खुद ही समझना पड़ेगा। अगली किताब मैं जिस पे बात करने जा रही हूँ उस पे दूरदर्शन का एक बेहद प्रसिद्ध नाटक भी आया था, दूरदर्शन पर सीरियल भी आया था, इस पर किताबें भी बनी हैं इसी नाम से। मैं बात कर रही हूँ भीष्म साहनी जी की किताब तमस की, जो पहली बार 1972 में प्रकाशित हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि है भारत के बंटवारे के आसपास की, जब देश में बंटवारा हो रहा था उस समय देश में बहुत सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। 60 के दशक में इतने दंगे हुए जबलपुर में, भारत के लगभग हर क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगा फैल रहा था, और ये किताब उसी के प्रसंग पर बात करती है। इन सांप्रदायिक दंगों में लोगों की भाषा बदल गई, कैसे वो दंगों के साथ उनकी भाषा घटिया स्तर की होती चली गई, वो इस किताब में देखने को मिलेगा। जिस तरह से भीष्म जी ने वो भाषाई तौर पर वो बदलाव आपको नज़र आएगा कि कैसे लोग पहले अच्छे होते हैं, फिर धीरे 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 उनकी भाषा ख़राब होती चली जाती है। इसमें ये दिखाया गया है कि जिस तरह आग को भड़कने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी काफ़ी होती है, वैसे ही दंगों को भड़काने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी घटना ही काफ़ी होती है और दंगे भड़क जाते हैं सांप्रदायिकता के नाम पे।
नथु चमार और मुराद अली की कहानी वैसे तो सिर्फ 5 दिनों की ही है, लेकिन इसे पढ़कर आपको आज के समय की याद आ जाएगी। ये किताब इतनी पुरानी होते हुए भी आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल फिट बैठती है। अगली जिस किताब की मैं बात करने जा रही हूँ वो है राही मासूम रजा की आधा गांव। राही मासूम रजा व्यंग के लिए जाने जाते हैं और इनकी एक और बहुत प्रसिद्ध किताब है, उपन्यास है, जिसका नाम है टोपी शुक्ला। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आधा गांव की बात करते हैं तो इसका पहली बार प्रकाशन 1966 में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगौली गांव की कहानी है, छोटे सा गांव है वहाँ। और ये पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि विभाजन के वक्त शिया मुसलमानों के ऊपर विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा, उनके ऊपर विभाजन कैसे, उनके ऊपर विभाजन का, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रभाव पड़ा। ये पहला ऐसा उपन्यास माना जाता है जिसमें विभाजन के बाद शिया मुसलमानों पर जो जुल्म हुआ, जो उनकी मानसिकता है, उसको दर्शाता है। ये उपन्यास दिखाता है कि गंगौली गांव में जिस समय विभाजन हो रहा था देश में, उस समय वहाँ गंगौली गांव के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जब भारत का राजनैतिक परिदृश्य बदलने लगा, भारत में पार्टियां आने लगी, तो किस तरह गंगौली गांव के लोग प्रभावित हुए उस। अगली किताब जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वो है आचार्य चतुरसेन की वैशाली की नगर वधु। आचार्य चतुरसेन जी इस किताब की भूमिका में कहते हैं कि इस किताब को लिखने के पहले उनकी जितनी भी कृतियाँ थी, उन्होंने जितने भी उपन्यास, कहानी या रचनाएं की थी, वो उन सब को रद्द करते हैं और सिर्फ इस किताब को अपनी इकलौती रचना मानते हैं। वैशाली की नगर वधु लिच्छवी संघ की राजधानी वैशाली की बात करती है। वैशाली इसकी पृष्ठभूमि है जहाँ आम्रपाली नाम की एक लड़की को वहाँ की नगर वधु बनाया जाता है। ये कहानी है खूबसूरत और बुद्धिमान आम्रपाली की, जो अपनी बुद्धिमता से दो राजाओं को भी लड़ा सकती है। वो आम्रपाली कैसे नगर वधु से भिक्षु बनती है, ये उसके सफर की कहानी है। वैशाली की नगर वधु 1966 से लगातार प्रकाशित हो रही है और इसे बहुत बहुत पसंद किया जाता है। इसमें आपको उस समय के परंपराओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कैसे चीज़ें हुआ करती थी, नगर वधु का क्या कॉन्सेप्ट था, उसे क्या क्या अधिकार प्राप्त थे, ये सब आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। किताब जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उसे साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी मिला हुआ है, वो है कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हिंदू मुसलमानों के बीच संबंधों पर आधारित किताब है और ऐसा कह सकते हैं कि कमलेश्वर जी ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया है, लेखनी में, कहन में उनके एक्सपेरिमेंट है। इस किताब का मुख्य पात्र है समय। इस उपन्यास में कमलेश्वर जी ने एक अदालत बिठा रखी है, तो आज के समय में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे जिसका हाथ रहा है, जिसका असर रहा है, कमलेश्वर जी उन सबको उस कटघरे में खड़ा करते हैं। ये किताब कश्मीर से भगाए गए कश्मीरी पंडितों पर भी चर्चा करती है और बाबरी विध्वंस पर भी। इतिहास के गर्भ से निकाली गई उन तमाम घटनाओं को समय के हिसाब से रख कर दिखाने वाला ये एक प्रयोगात्मक उपन्यास है जिसे पढ़कर आपके कई सवालों के जवाब शायद आपको मिल जाएंगे। अगली किताब जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ वो 1982 में छपी थी, मनोहर श्याम जोशी जी की कसब। कसब एक कुमायूं शब्द है जिसका मतलब होता है पता नहीं। शायद ही किताब पढ़ने के बाद आपके मन में भी यही आए, जब मैं आपसे पूछूं कि किताब कैसी लगी तो आप यही कहें पता नहीं, क्योंकि ये किताब एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे पढ़ने के बाद आपको सारी प्रेम कहानियाँ झूठी लगेंगी। इस उपन्यास के मुख्य केंद्र में है नायक, जो कि थोड़ा भोंदू सा है, और नायिका, जो बहुत ही दबंग है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है। लेकिन इस कहानी में उन दोनों प्रेम करने वाले लोगों को एक चीज़ जो जुदा कर देती है वो ये कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये प्रसंग आज भी कई रिश्तों को तोड़ देता है। लोग देश से, अपने रिश्तों से दूर जाके बहुत कुछ करना चाहते हैं और उस चक्कर में अपने रिश्ते, अच्छे रिश्तों को खो देते हैं, हाथ में आए समय को गंवा देते हैं, और ये किताब उसी चीज़ के बारे में आपको बताएगी। अगली किताब है भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा
कि एक और किताब है, मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने लिखी है रेखा, अगर आपको कहीं मिले तो उसे ज़रूर पढ़िएगा, मेरे पास है, मैं कभी इस पर पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगी, वो किताब मुझे बहुत पसंद है। चित्रलेखा पर आते हैं, चित्रलेखा बात करती है पाप और पुण्य की, पाप क्या है पुण्य क्या है इस पर बात करती है। इसके केंद्र में है चित्रलेखा, जो पहले उसकी शादी हो जाती है मगर वो बहुत जल्द विधवा हो जाती है, उसके बाद वो नर्तकी बन जाती है, उसके एक बच्चा भी होता है। उसके बाद उसकी कहानी में क्या क्या घटता है, कैसे वो बीज गुप्त के साथ रहती है, फिर उसे उस योगी से प्यार हो जाता है। ओवरऑल यहाँ भगवती चरण जी ने ये बताने की कोशिश की है कि कुछ भी सही या गलत नहीं होता, पाप और पुण्य नहीं होता, एक इंसान सिर्फ परिस्थितियों का मारा होता है, वो परिस्थिति के हिसाब से ही चीज़ें तय करता है कि ये पाप है या पुण्य। अगली जिस किताब पे मैं बात करने जा रही हूँ, अगर हिंदी साहित्य में कोई बहुत करुण और दर्दमय प्रेम कथा पर बात होगी तो इस किताब का जिक्र ज़रूर आएगा, ये है धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता। ये कहानी है चंदर और सुधा की, चंदर जो अपनी ही टीचर की बेटी से प्यार कर बैठता है सुधा, और सुधा वो जो चंदर को अपना देवता मानती है, उसे देवता की तरह पूछती है। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें तन के खिंचाव से ज़्यादा मन का खिंचाव है, दोनों अब मानसिक तौर पे एक दूसरे के हो चुके होते हैं, दोनों का मन इतना मिल जाता है कि वो एक दूसरे से अलग ही नहीं हो सकते। चंदर और सुधा को लेकर कई सारे टीवी सीरियल्स भी बने हैं, उसे आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि वो देखने के पहले आप ये किताब पढ़िए। अगली जो मैं किताब आपको बताने जा रही हूँ वो एक ऐसे लेखक की है जो मेरे लिए सब कुछ है, मतलब उन्हें भारत साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है, लेकिन शायद मेरे लिए वो शेक्सपियर से भी ज़्यादा बड़े हैं। उनकी लिखी कहानियाँ, उनके लिखे उपन्यास, सब कुछ अलौकिक हैं। और अगली जो किताब है शायद आप समझ गए होंगे, वो प्रेमचंद की गोदान है। इस उपन्यास को लिखने में प्रेमचंद के 4 साल लग गए, क्योंकि प्रेमचंद जिस समय ये किताब लिख रहे थे, ये उपन्यास लिख रहे थे, उस समय वो बहुत ही संघर्ष कर रहे थे। उनकी 2 पत्रिकाएं वो चलाया करते थे जो उस समय सही नहीं चल रही थी, इस वजह से इस उपन्यास को लिखने में उन्होंने इतना समय लिया। लेकिन क्या समय लिया, जो निकला वो हिंदी साहित्य में वो एक मारक चीज़ दे गए, और जिसकी बात सालों साल तक होती आएगी, शायद हमारे बाद की भी पीढ़ी इस किताब की बात करेगी। गोदान उपन्यास एक किसान दंपत्ति की कहानी है, होरी और धनिया, जिनके पास सिर्फ संपत्ति के नाम पर एक गाय होती है, जिसको वो बहुत प्यार करते हैं और उसकी बहुत सेवा करते हैं, लेकिन गरीबी और गांव के परिदृश्य में, गांव में जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो जैसा उसका परिवेश होता है, उसके चलते उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है, कैसे कैसे वो अपना समय निकालते हैं, कैसे कैसे अपनी गाय को बचाते हैं, बचा पाते हैं या नहीं, इसी सब कहानी को कहती है गोदान। वैसे तो ये 10 किताबें मैं रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर पढ़िए, थोड़ा सा समय निकालिए किताबों के लिए और ये किताबें पढ़ डालिए। दिनों में हिंदी साहित्य की वो किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हिंदी हमारी कितनी रिच है, हिंदी में कितना कुछ है जिसे अभी भी पढ़ा जाना बाकी है। तो बस आज का सफ़र यहीं तक, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कोई ऐसी किताब है जो मुझे पढ़नी चाहिए, या आपका रिकमेंडेशन ज़रूर दीजिएगा, मैं वो किताबें पढ़ना चाहूँगी, आपकी पसंद जानना चाहूँगी। इनमें से कोई किताब आपने पढ़ी हो तो मुझे उसके बारे में भी अपने अनुभव साझा करें कमेंट सेक्शन। मिलेंगे अगले एपिसोड में, शुक्रिया।